हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कॉमन दाल की रेसिपी जो हर घर में बनती है। बनाने में बहुत ही आसान होती है ये रेसिपी, तो हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पे छोटी कटोरी से आधी कटोरी उड़द दाल ली है और साथ ही मैंने यहाँ दो मुट्ठी जो है चना दाल भी डाला है। चना दाल डालने से उड़द की दाल का फ्लेवर जो है और भी निखर कर आता है। यहाँ मैंने दाल को दो से तीन पानी से अच्छे से साफ से धो के फिर यहाँ डेढ़ डिब्बा पानी डाला है और दो चम्मच सरसों का तेल डाला है ताकि जो है इसका दाल का छिलका जो है वो बाहर ना आए, क्योंकि कभी कई बार सीटी में फंस जाता है और जिससे कि दाल का पानी बाहर आ जाता है। तो सरसों के तेल के डालने से ये पानी बाहर नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर ढक्कन लगा के इसको उबालने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारी दाल उबलेगी हम यहाँ अपने मसाले की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने लहसुन लिया है, लहसुन के साथ मैंने ली है एक लौंग और कुछ काली मिर्च जिसको मैं कूट लूँगी। आप चाहे इसे मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं, पेस्ट बना सकते हैं, बट मैंने ऐसे ही यूज़ किया है इसे क्योंकि इसका अलग ही फ्लेवर आता है कूटने के बाद। अदरक को यहाँ मैंने काट लिया है, उसके बाद कूटेंगे ताकि वो आसानी से कूट जाए। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है कढ़ाई, कढ़ाई में डाला है दो बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप यहाँ कोई और भी तेल यूज़ कर सकते हैं, बट सरसों के तेल में जो है दाल सब्जियाँ बहुत ही अलग ही टेस्ट आता है इसका। तेल यहाँ गर्म हो जाने देते हैं। गर्म हो जाने के बाद तड़के में मैंने डाला है जीरा, साथ ही मैंने लिया है दो साबुत लाल मिर्च और इसमें थोड़ी सी डालेंगे हींग। हींग क्या होता है, इससे जो है पाचन जो है अच्छे से हो जाता है, क्योंकि मोटी दाल जो है कई लोगों को पचती नहीं है। तो जब भी आप कोई भी मोटी दाल बनाए जैसे छोले, राजमा, उड़द दाल, तो हींग का प्रयोग ज़रूर करें। अब ये हरी मिर्च हो चुकी है, मैंने यहाँ लिया है कटा हुआ प्याज। यहाँ आग को धीमा ही रखा है मैंने, धीमी आँच पर ही इस प्याज को भूनना है। तेज़ आँच में जो है जल जाएगा प्याज और कच्चापन भी रहेगा। प्याज को करसी से चलाते रहें ताकि प्याज जले ना। धीमी आंच पे भी अगर आप प्याज को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो कई बार जल जाता है प्याज। अब प्याज मेरा भुन चुका है, इसमें ऐड किया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे करीब एक मिनट तक हम भुनेंगे ताकि अदरक और लहसुन जो है वो कच्चा ना रहे। टेस्टी दाल का सीक्रेट यही है कि उसमें सभी प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सबको अच्छे से भुना जाए। अब यहाँ मेरा अदरक लहसुन भुन चुका है, टमाटर ऐड किया है मैंने। इसको टमाटर को अच्छे से हिलाते हुए अब इसमें नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा मसाले ऐड करने का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ डाला है, स्वाद अनुसार आप नमक डालिए, हल्दी डालेंगे। उसके बाद इसमें डाला है मैंने धनिया पाउडर और साथ ही साथ इसमें लाल मिर्च भी ऐड की है। लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालिए टेस्ट के, क्योंकि यहाँ मैंने साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च भी डाली है तो मैंने लाल मिर्च को कम डाला है। इसको अच्छे से मिलाइए ताकि सारे मसाले जो है इवनली स्प्रेड हो जाए। सारे मसाले मिलाने के बाद जो है इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद जो है फिर से इसे मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से जो है मिल जाए टमाटर और प्याज में। उसके बाद यहाँ मैंने थोड़ा पानी और ऐड किया है ताकि मसालों को अच्छे से पकाया जा सके, टमाटर जो है वो भी पक जाए। करीब इसको चार से पाँच मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि मसाले जो है अच्छे से पक जाए। मसालों का पकना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पाँच मिनट हो चुके हैं, अब देखिए मसाला जो है तेल छोड़ने लग गया, यानी ये मसाला पूरी तरह से पक चुका है। अगर आपको लगता है कि आपका मसाला नहीं पका है तो थोड़ा सा पानी और डाल के उसे थोड़ी देर और पकाएं। यहाँ पे मैंने दाल ली है। दाल डालने के बाद दाल को अच्छे से मिलाना है ताकि सारे मसाले दाल में भी भीग जाएं। मैं यहाँ दाल को मिलाते समय दाल को थोड़ा सा मैश भी करती हूँ ताकि इसका जो फ्लेवर है, दाल का टेक्स्चर जो है वो अलग ही आए, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है एक दाल। बट यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये भी है, सारी दाल को हमें मैश नहीं करना है। अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाएंगे। सारा पानी एक साथ ना डालें, मैंने थोड़ा सा पानी डालने के बाद दाल को मिलाया है अच्छे से। उसके बाद बाकी का बचा हुआ पानी डाल के दाल को अच्छे से मिक्स करें।
दाल में पानी आप अपने अकॉर्डिंग रखें कि आपको गाढ़ी दाल पसंद है या थोड़ी पतली दाल पसंद है। करीब 7 से 8 मिनट इसे ढक के पकाएंगे हम धीमी आंच में। जैसे ही 7 से 8 मिनट हो जाएं इसे हरी धनिए से गार्निश करेंगे। अच्छे से मिला के गर्मा गर्म चावल के साथ या फुलकों के साथ आप इसे सर्व करें, बहुत ही टेस्टी होती है ये दाल। साथ में आप इसके ऊपर मक्खन या फिर मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, साथ ही क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ ऑप्शनल हैं, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।